बेस्ट लैपटॉप फॉर कोडिंग अंडर द बजट ऑफ 40,000, और ये काफ़ी रेयर कॉम्बिनेशन हो जाता है कि 40,000 के बजट में एक अच्छा लैपटॉप जिसमें आप अच्छी खासी कोडिंग कर सकते हो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ HP के एक नए लैपटॉप के बारे में जिसका मॉडल नंबर है FQ1029AU। ये है अवेलेबल ऑलमोस्ट अराउंड 41,000 के प्राइस पे, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी के स्पेक्स पे चर्चा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि स्पेक्स पे चर्चा वाली एपिसोड में मैं बताता हूं आपको जो नया भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो क्या वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है कंसीडरिंग द ऑल एस्पेक्ट्स। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। पिछले कुछ महीनों से कुछ ऐसा हो रहा है ना कि लैपटॉप का मार्केट कुछ अलग ही लेवल पे चलने लगा है। काफ़ी कम बजट में आपको बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन आज के लैपटॉप में देखने को मिलते जा रहे हैं, और इसी केस में क्या हुआ ना कि मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसा लैपटॉप डिसाइड किया जाए जो एक्चुअली कोडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। और मुझे लगा कि ये जो HP का नया मॉडल है ना, इसमें राइजन का प्रोसेसर लग के आता है और उसकी वजह से ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बन गया है। और आज 2021 में अगर आप राइजन के साथ कंफर्टेबल नहीं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, मैं बताता हूँ आपको कि क्यों राइजन का जो प्रोसेसर वाला ये लैपटॉप है HP का, ये बहुत ही अच्छा है। सबसे पहली बात, इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है राइजन 3 5300U, मतलब 5th जनरेशन का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है जो 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे आता है। 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, वो भी काफ़ी कम पावर सप्लाई में। मतलब आपको इस लैपटॉप में पार्टिकुलरली बैटरी लाइफ वगैरह एक्सीलेंट मिलने वाली है। दूसरी चीज़, ये इंटेल के i3 के जो 11th जनरेशन के प्रोसेसर हैं जिसमें कि 10 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर था, ये उससे भी एक एज आगे है। ना सिर्फ i3 11th जनरेशन, इवन आज की डेट में जो मार्केट में i5 के 10th जनरेशन वाले प्रोसेसर के लैपटॉप मिल रहे हैं ना, ये लैपटॉप उनको भी बीट कर सकता है, क्योंकि राइजन का ये जो 5000 सीरीज के प्रोसेसर्स लॉन्च हुए हैं अभी रिसेंटली, वो एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस लेकर आते हैं। साथ में अगर आप कंपैरिजन वगैरह भी इनका देखना चाहते हो i3 के 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इसका एक कंपैरिजन का पूरा चार्ट है, आप जाकर वहाँ खुद देख सकते हो कि ये i3 के 11th जनरेशन प्रोसेसर से कितना ज़्यादा बेटर है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर 2.6 GHz की जो बेस फ्रिक्वेंसी मिलती है प्लस 3.8 GHz की टर्बो बूस्ट की फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। साथ में इसमें जो नंबर ऑफ कोर्स है दोज आर एक्सीलेंट, एंड दैट इज 4 कोर्स। एक्चुअली इंटेल i3 में सिर्फ 2 कोर मिलते हैं जबकि यहाँ पे 4 कोर मिलते हैं, मतलब आपको 2 गुना ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये सिर्फ इस बात पर डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन आप इस तरह से कंपैरिजन करो ओवरऑल तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर बनता है कंपैरेटिवली i3 के 11th जनरेशन से। और एक बात और भी नोटिस करके रखना, आज की डेट में अगर आप देखो तो कुछ लैपटॉप्स ऐसे भी मार्केट में अवेलेबल है जिसमें i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है और वो 60,000 तक के प्राइस पे अवेलेबल है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर आपका बजट उतना ना हो, 40,000 के बजट में आपको राइजन की इस 5000 सीरीज का 5300U वाला प्रोसेसर काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, सस्ते का सस्ता भी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी। यहाँ पर रैम लगी हुई है 8GB की 3200 MHz की रैम, जो कि सबसे एक्सीलेंट रैम है आज की डेट में DDR4 टाइप को अगर आप कंसिडर करते हो। हालांकि एक चीज़ हो सकती थी कि LPDDR4 वाली रैम लगा दी जाए, लेकिन फिलहाल बजट को भी कंस्टेंट में रखना पड़ता है। 8GB की रैम होना 40,000 के प्राइस में ऑलमोस्ट ये भी काफ़ी यूनिक बात है। अगर आप आज से जस्ट थोड़े दिनों पहले की बात देखो, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स बैक, 40,000 के प्राइस में 4GB का रैम कॉन्फ़िगरेशन भी मिलना मुश्किल था, और यहाँ पर 8GB की 3200 MHz की रैम लगी है, दैट इज़ अनदर एक्सीलेंट पॉइंट। चलो भाई, प्रोसेसर रैम ये दोनों ही अच्छी हो गई, लेकिन SSD का क्या? SSD है यहाँ पर, बिल्कुल है, वो भी 512GB की NVMe SSD, मतलब माइंड ब्लोइंग बात होगी। यहाँ पे आपको सबसे फास्टेस्ट SSD मिल रही है, वो भी PCIe के मैकेनिज्म पे काम करने वाली SSD मिल रही है। अफकोर्स क्योंकि प्रोसेसर इतना अच्छा लगा है जो कि PCIe के मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, उस वजह से यहाँ पर HP ने कर दिया है बिल्कुल नेल्ड आउट
सबसे बढ़िया कैटेगरी की SSD लगा दी है 512 GB की, जिसमें आपको ट्रांसफर रेट वगैरह ऑलमोस्ट GBPS में देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऐसे कोई डेटा ट्रांसफर वगैरह कर रहे हो ना विद इन द ड्राइव, काफी अच्छा स्पीड आपको देखने मिलने वाला है। और एज ए कोडिंग स्टूडेंट, अगर आपको कोई प्रोसेस कंपाइल वगैरह करना है तो उसमें ये काफी नेल्ड आउट करने वाला है हर चीजों को। अच्छी फ्रिक्वेंसी की रैम और एक अच्छी SSD, साथ में एक अच्छा प्रोसेसर, आपकी कोडिंग बिल्कुल बढ़िया होने वाली है। अब अगली बात करते हैं डिस्प्ले टाइप की। अक्सर मैंने देखा है कि जब कोई इंटरनल हाईफाई इतना लगा हो तो कंपनीज अक्सर जो है डिस्प्ले टाइप में कंप्रोमाइज कर ही देती हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं हुआ है। आपको इसमें देखने को मिलता है IPS ग्रेड का डिस्प्ले, वो भी 14 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन का। सबसे अच्छी बात हो गई ये, क्योंकि इसमें 250 निट्स की ब्राइटनेस है जो नॉर्मल हर एक IPS डिस्प्ले के लेवल में होती है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि इसका जो डिस्प्ले है ना वो ग्लॉसी है, मैट फिनिश वाला नहीं है। तो अगर आपको लैपटॉप को आउटडोर में यूज़ करना है, वैसे तो आप आजकल आउटडोर तो जाओगे नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट कोविड सिचुएशन है, इंडोर में अगर आपको यूज़ कर रहे हैं तो ग्लॉसी पैनल आपको कोई प्रॉब्लम खास नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉइंट नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर मैट फिनिश का डिस्प्ले नहीं मिलता है। अक्सर एप्पल के लैपटॉप में भी यही सिनेरियो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्प्ले का ग्रेड IPS है, दैट इज विन विन सिचुएशन। अगली बात करते हैं हम, यहाँ पर कोई ग्राफिक वगैरह आपको मिलता है क्या? तो ऑफ कोर्स मिलता है, जो प्रोसेसर के साथ में वाला ग्राफिक है वो आपको मिलेगा AMD Radeon की तरफ से, जिसमें आपको 1.5 GHz तक की फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसको कंपेयर करें कि Intel का जो i3 वाला प्रोसेसर है उसमें सिर्फ जो UHD मिलता है ये उससे भी ज्यादा बेटर है, जस्ट बिकॉज Ryzen 5000 सीरीज प्रोसेसर्स आर बेटर देन i3 11th जनरेशन प्रोसेसर्स, और यहाँ ग्राफिक्स के मामले में भी ये थोड़ा बेटर है। अगली बात हम कर लेते हैं यहाँ पर वायरलेस एरिया नेटवर्क की, वो भी इसमें बहुत ही हाईफाई एडवांस टाइप का नहीं है लेकिन बहुत पुराना भी नहीं है, 802.11 AC स्टैंडर्ड का वाईफाई इसमें लगा हुआ है, जो कि आपको ऑलमोस्ट हर एक लैपटॉप में आजकल देखने को मिलता है। इवन 60-70,000 के बजट में भी सेम टू सेम यही चीजें मिलती हैं। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं कि आपको बहुत हाईफाई परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिल जाएगी, वाईफाई में ऐसे गीगाबिट वगैरह की स्पीड आपको नहीं मिलने वाली है। इन केस अगर आपका ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आपको गीगाबिट का स्पीड मिलने वाला है तो ये नहीं होने वाला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ AC स्टैंडर्ड है। AX होता तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में हम वो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पूछो कि ब्लूटूथ कौन सा लगा है, वो है 4.2 वर्जन का, तो ठीक है, वो भी ऐसा 5th वर्जन का या 6th वर्जन का ब्लूटूथ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ब्लूटूथ 3 से तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप में इवन 3rd जनरेशन के ब्लूटूथ सपोर्टेड है, लेकिन यहाँ पर 4.2 जनरेशन वाला ब्लूटूथ सपोर्टेड है, तो थोड़ा आपको अच्छा एक्सपीरियंस ब्लूटूथ वगैरह के साथ कनेक्टिविटी में मिलने वाली है। अगली बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, और कनेक्टिविटी ऑप्शंस में भी HP ने कोई खास कंप्रोमाइज नहीं किया है। यहाँ पर आपको सारे पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, एक सुपर स्पीड टाइप सी का जो इसमें पोर्ट है आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए है, चार्जिंग वगैरह के लिए वो सपोर्टेड नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो हम कर लेते हैं HDMI का केबल भी आप लगा सकते हो, उसका भी पोर्ट अवेलेबल है। बाकी हेडफोन और माइक्रोफोन जैक जितना भी सारे लैपटॉप में अक्सर यूजली होता है वो सभी कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट की, तो इसमें 41 वॉट आवर का बैटरी लगा है, तो ऑफकोर्स 41 वॉट आवर काफ़ी कम होता है टेक्निकली अगर कैपेसिटी आप देखो, लेकिन क्योंकि सिर्फ 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर तो आपको बैटरी बैकअप अच्छी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर 4+ to 5+ आवर्स प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको यहाँ पर बैटरी देखने को मिल ही जाएगा, इतना बैकअप मिल जाएगा। और अगर मान लो बैटरी डिस्चार्ज भी हो गई तो यहाँ पर HP ने आपको फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया है इन द बॉक्स 65 वॉट का, उसकी वजह से आप जल्द से जल्द अपने लैपटॉप को फिर से रिचार्ज कर सकते हो और कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो, तो नो कंप्लेंट इन बैटरी डिपार्टमेंट एज वेल। और अब लास्ट में हम ये बात कर लेते हैं कि क्या एडिशनल फीचर आपको इसमें देखने को मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा है क्या इसमें। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जो कि अक्सर किसी लैपटॉप में इस बजट में नहीं मिलता है, वो है बैकलिट कीबोर्ड। यहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड भी देखने को मिलता है, तो अगर आप रात में कोडिंग करने बैठे हो तो आपको कीबोर्ड को ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये कैटेगरी लीडर लैपटॉप बन चुका है, 41 almost 42,000 के प्राइस पे ये आता है, कभी कभी डील में इवन 38,000 में कुछ लोगों को ये मिल जाता है। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताना कि अगर आप ये लैपटॉप खरीद रहे हो तो आपको कितना डिस्काउंट मिला और आपको एक्चुअल प्राइस इसका कितना मिला, मुझे बताना जरूर। एक और एडिशनल एडवांटेज, यहाँ पर जो वेबकैम लगा हुआ है वह 720 पिक्सल वाला HD कैमरा लगाया है HP ने,
एंड दैट इज़ वेरी गुड। अक्सर मैंने देखा है बजट कैटेगरी के लैपटॉप में अक्सर काफ़ी ख़राब से VGA टाइप के कैमरा लगा देते हैं, जैसे कि Asus के साथ भी होता है। हालांकि अभी थोड़ी सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं, Asus में भी 720 के HD कैमराज लगे हैं, तो इस लैपटॉप में भी आपको वेब कैम काफ़ी अच्छा मिलता है। दैट इज़ अनदर पॉइंट फॉर दिस HP लैपटॉप। और इन सभी के साथ में आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट में अगर देखा जाए तो वहाँ भी आपको विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, साथ में प्री इंस्टॉल्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टूडेंट एडिशन वो भी इसमें पड़ा हुआ है, तो आपको ये भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अक्सर जो ऐसे प्री इंस्टॉल्ड वाले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होते हैं, आप ये मत समझो कि सारे ऑफिस के एप्लीकेशन होंगे, उसमें सिर्फ MS Word, PowerPoint, Excel और OneNote करके यही चार सॉफ्टवेयर्स ऑलमोस्ट हुआ करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर नहीं होते, लेकिन आपको एज ए स्टूडेंट सिर्फ इतने की ही ज़रूरत है। तो अब बारी आती है फाइनल वर्डिक्ट की, क्या 40,000 या 45,000 के प्राइस सेगमेंट में आपको ये लैपटॉप खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, और इन केस अगर आपका बजट 40,000 से थोड़ा सा भी एक्सटेंड नहीं हो सकता है तो क्या आपको दूसरा लैपटॉप खरीद लेना चाहिए। तो इस बात का सिर्फ एक ही आंसर है, ऑफ कोर्स आपको जरूर ये लैपटॉप खरीदना चाहिए, क्योंकि 40,000 के प्राइस सेगमेंट में अभी इससे अच्छा लैपटॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इनकेस अगर 40,000 के ऊपर आपका बजट नहीं जाता है तो Asus का एक लैपटॉप है जिसका वीडियो मैंने स्पेक्स पे चर्चा वाला एपिसोड बना के रखा है, आप जाकर वो वाला पुराना वाला वीडियो चेक कर सकते हो। उसमें i3 का 11th जनरेशन का प्रोसेसर लगा है, लेकिन उसमें SSD भी 256GB की थी, और हाँ एक चीज़ दोनों में कॉमन है, वो है IPS ग्रेड का पैनल। तो ये 40,000 के अगर प्राइस सेगमेंट पे देखो तो Asus का वो वाला लैपटॉप और HP का ये लैपटॉप दोनों में ही काफ़ी कांटे की टक्कर हो गई है, और इसमें HP इज अ क्लियर विनर जस्ट बिकॉज ऑफ Ryzen के 5000 सीरीज के प्रोसेसर आर बेटर देन i3 के प्रोसेसर 11th जनरेशन वाले। इसलिए मैं इम्फेसिस तो यही करूँगा कि आप HP का ये वाला लैपटॉप खरीदो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, भले आपको 1-2 हज़ार रुपये हो सकता है Asus से एक्स्ट्रा देने पड़ जाएं, लेकिन इसमें आपको सोचो कि बैकलिट कीबोर्ड वगैरह भी मिल जाएगा। बस एक प्रॉब्लम HP में ये हो गई कि IPS ग्रेड का पैनल तो लगा दिया लेकिन वो ग्लॉसी टाइप लगा दिया है, तो थोड़ा ठीक है वहाँ पर कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैट डिस्प्ले नहीं है, लेकिन वो फैक्टर इतना मेजर क्राइटेरिया नहीं बनता है कि किसी लैपटॉप को हमें सिर्फ मैट या डिस्प्ले पे नहीं लेना है। इवन आप मैकबुक एयर को वगैरह को देखो तो कुछ मॉडल्स अभी भी जो है ग्लॉसी टाइप में आते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैट होता तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसे आँखों पर ग्लॉसी फिनिश का चमक नहीं आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर ठीक है, उतना आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारे फीचर्स HP के इस लैपटॉप में काफ़ी अच्छे हैं। इन केस अगर आपको i3 के 11th जनरेशन प्रोसेसर पे ही रहना है, इंटेल के साथ ही जाना है, तो फिर आप Asus का वो वाला लैपटॉप खरीद सकते हो जो मैंने पुराने वीडियो में अपने बताया हुआ है। दोनों ही लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो, खुद समझ सकते हो कि इन दोनों में कौन सा बेटर है। साथ में मैंने जो दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन लिस्ट है ना, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो, जस्ट डायरेक्ट लिंक क्लिक करके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कैसा है ये लैपटॉप जाकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्यों नहीं पसंद आया, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।